डोंट गेट डाउन. आई एम नॉट गेटिंग डाउन. वी जस्ट मतलब हम बच गए हम लोग. हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग वीडियो है बिकॉज़ आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अटल सेतु ब्रिज, जो मुंबई ट्रांस हर्बल लिंक के नाम से भी जाना जाता है. तो चलिए जल्द से जल्द वहाँ पे चलते हैं बिकॉज दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग डे फॉर मी ऑल्सो, क्योंकि मैं भी आज फर्स्ट टाइम उस ब्रिज पे जा रहा हूँ. तो चलिए अटल सेतु ब्रिज पे चलते हैं और उसे एक्सप्लोर करते हैं. मेरा नाम है उमर एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इंडियन साइड. तो आज संडे है और सुबह के 10 बजे है. इस वक्त हम हैं ईस्टर्न फ्रीवे पे फ्रॉम घाटकोपर साइड एंड वी आर गोइंग टूवर्ड सिवरी साइड, जहाँ से हमें अटल सेतु ब्रिज को कनेक्ट करना है. तो आइए जल्द से जल्द हम वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हैं. सो वी जस्ट पासिंग थ्रू भक्ति पार्क वाडाला और लेफ्ट साइड में आप ये मरोल देख सकते हैं जो चेंबूर से परेल के बीच चलता है. ये ऑलमोस्ट एक 20 किलोमीटर्स की मुंबई को कवर करता है. तो दिस इज जस्ट पासिंग बाय एंड हम जस्ट उसके नीचे से भी उसको क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. तो इस वक्त हम हैं पी डेमेलो रोड के ऊपर जो सिवरी में आता है और यहाँ से आपको जो सीलिंग है उसका थोड़ा ग्लिम्स आपको देखने मिलेगा. मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बाहर काफ़ी फॉगी क्लाइमेट है जिसके कारण विजिबिलिटी थोड़ा पुअर है. बट ये आप जस्ट सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्रिज का थोड़ा ग्लिम्स आपको यहाँ पे देखने मिलेगा. तो वी आर जस्ट नियर बाय ओनली, इन 5 मिनट्स वील बी एबल टू रीच देयर. तो हम ऑलमोस्ट सिवरी पहुँच चुके हैं और ये यहाँ पे साइन बोर्ड है कि 500 मीटर्स के बाद हमें लेफ्ट लेना है. तो इस बोर्ड के बाद आफ्टर 500 मीटर्स यू हैव टू टेक लेफ्ट एंड जो कनेक्ट होगा अटल सेतु ब्रिज पे. सो एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ रहा है एंड आई वॉन्ट टू गेट इन टू दैट ब्रिज एज सुन एज पॉसिबल. तो चलिए ये एक्साइटमेंट को इसी तरह बरकरार रखते हैं और आगे बढ़ते हैं. सो वी हैव रीच्ड द अटल सेतु ब्रिज. अब ये फाइनल यहाँ पे साइन बोर्ड है और यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है एंड वी आर जस्ट टचिंग द टिप ऑफ द ब्रिज राइट नाउ. वाओ, दिस इज रियली वेरी एक्साइटिंग. तो यहाँ से अटल सेतु ब्रिज अभी स्टार्ट हुआ है, ये आप सामने देख सकते हैं एंड वी आर जस्ट गोइंग ऑन टू दैट ब्रिज राइट नाउ. एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर का काम यहाँ पे देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इट्स रियली अ वेरी ब्यूटिफुल साइट टू सी एक्चुअली. और अभी हम ब्रिज की तरफ चल रहे हैं. तो वाओ, दिस इज अ ऑसम मोमेंट फॉर मी रियली. तो इस वक्त हम हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पे, जिसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक या फिर सिवरी नवा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक और शॉर्ट में हम इसे अटल सेतु के नाम से जानते हैं. ये एक 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, विच इज़ 13.5 माइल्स और इस पे ऑलमोस्ट एक 6 लेन एलिवेटेड हाईवे लेन्स है इसके ऊपर, जो 27 मीटर्स के विड्थ का है एक्चुअली. तो ये जो हाईवे है ये आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया राइट नाउ, विच इज़ 21.8 किलोमीटर्स. लेंथ के हिसाब से ये ब्रिज आज की तारीख में वर्ल्ड पे 12th नंबर की पोजीशन पे है फिलहाल अभी ये ब्रिज. एंड इंडिया में तो इट इज़ नंबर 1 सीलिंग ब्रिज राइट नाउ. ये ब्रिज कनेक्ट करता है मुंबई को नवी मुंबई से अरब सागर की ऊपर से. और ये ब्रिज स्टार्ट होता है फ्रॉम सिवरी ईस्ट, देन इट कवर्स थाने क्रीक, देन यहाँ पे आपको नॉर्थ पार्ट ऑफ एलिफेंटा केव्स भी दिखाई देगा जो हम आते वक्त हम देखेंगे क्योंकि इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड. और अभी थोड़ा फॉग होने के कारण हमें वो जाते वक्त शायद दिखेगा भी नहीं. सो हम आने के टाइम पे हम उसी भी देखेंगे, एलिफेंटा केव्स को भी. और ये एंड होता है चिरले में जो नवा सेवा में है और उरान डिस्ट्रिक्ट में आता है. इस ब्रिज के 6 किलोमीटर के स्ट्रेच पे यहाँ पे नॉइज और विजन बैरियर्स को इंस्टॉल किया गया है. विजन बैरियर को इसलिए इंस्टॉल किया गया है क्योंकि ये एक सेंसिटिव एरिया से गुजरता है जहाँ पे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है चेंबूर में. तो उसकी विजन को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे ये विजन बैरियर्स लगाया हुआ है. और उसके साथ में यहाँ पे नॉइज़ बैरियर्स को भी लगाया गया है क्योंकि यहाँ पे जो सीवी का जो क्रीक है वहाँ पे काफ़ी माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं जिसमें से फ्लेमिंगो इज़ वन ऑफ देम. तो उनको डिस्टर्बेंस ना हो और ये जो भी व्हीकल्स यहाँ से जो गुजरते हैं उसके नॉइस इस ब्रिज के बाहर नहीं जाए, इसीलिए नॉइस जो बैरियर्स है उसे भी इंस्टॉल किया गया. बट ये सिर्फ एक 6 किलोमीटर के स्ट्रेच पे है, उसके बाद यू विल बी एबल टू सी द व्यू ऑफ द सी. बट आज करंटली फॉग, इतना घेरा फॉग है ब्रिज के यहाँ पे, मतलब इन दिस टोटल एरिया.
तो जो विजिबिलिटी है थोड़ा पुअर है, बट फिर भी मैं आपको आगे चल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जो 6 किलोमीटर का जो बैरियर था वो अब खत्म हो चुके हैं। नाउ दिस इज एन ओपन ब्रिज विद एन ओपन व्यू, बट विजिबिलिटी अगेन इट इज वेरी पुअर। मैं दोनों तरफ देखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यू कांट सी एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस ब्रिज। आप देख सकते हैं ना आपको समुद्र दिख रहा है ना आसमान दिख रहा है, एक्चुअली दोनों एक ही आपको दिख रहे। सो एक पुअर विजिबिलिटी के कारण क्लैरिटी इज वेरी पुअर। तो इनकेस अगर आप आफ्टरनून में आएंगे एंड वेन देर इज नॉट टू मच ऑफ फॉग, तो आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा इस पूरे ब्रिज का। सेकेंडली, इस ब्रिज के ऊपर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर आर नॉट अलाउड, तो आप बाइक या 3 व्हीलर लेके यहाँ इस ब्रिज पे नहीं आ सकते। तो इस ब्रिज के दोनों साइड पे रेस्क्यू पॉइंट भी दिया हुआ है, जहाँ पे इनकेस ऑफ एमरजेंसी आप व्हीकल ब्रिज के साइड पे आप स्टॉप कर सकते हैं। तो हम जस्ट चेक करते हैं इनकेस हमें वहाँ पे कुछ देर के लिए रुकने मिलेगा, बट वहाँ पे हमें रुकने नहीं दिया गया है। एंड वी वर टोल्ड दैट कि इनकेस अगर हम लोग यहाँ पे रुकेंगे तो वी विल बी चार्ज 200 रुपीज़ पेनल्टी। तो हम वहाँ पे नहीं रुके और हम आगे अभी अब चिरले की तरफ जा रहे हैं। हर एक 300 मीटर के डिस्टेंस के बाद आपको लेफ्ट साइड में पोल दिखाई देगा जिसके ऊपर कैमराज इंस्टॉल्ड है। तो ये कैमराज बेसिकली आपके सेफ्टी के लिए ही है, इनकेस यहाँ पे एक्सीडेंट या कुछ और इंसिडेंट्स होता है तो हेल्प को जल्द से जल्द आप तक पहुँचाया जा सके। इसलिए ये कैमराज हर 300 मीटर्स के बाद लगाए गए हैं एक्चुअली। सो इनकेस अगर आप ओवर स्पीड करते हैं तो भी इन्हें पता चल जाएगा, और इनकेस अगर आप यहाँ पे स्टॉप करते हो या आप यहाँ पे गाड़ी रुकाते हो ब्रिज के ऊपर, तो ये भी इनको पता चल जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस ब्रिज, और इस ब्रिज के ऊपर आप ओवर स्पीडिंग आप यहाँ पे मत कीजिए। प्लीज़ अवॉइड ओवर स्पीडिंग ऑन दिस ब्रिज। आप लेन को प्रॉपरली फॉलो कीजिए एंड जस्ट बी सेफ। सो दिस ब्यूटिफुल जर्नी हैज़ जस्ट कम टू एन एंड। तो हम ऑलमोस्ट चिरले की तरफ हम पहुँच चुके हैं। अगर हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो आप चिरले की तरफ जाएंगे, बट हम चिरले की तरफ नहीं जा रहे, हम विल बी टेकिंग फर्स्ट लेफ्ट और हम उल्वे की तरफ हम वापस नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि हम वापस यू मार के हम रिटर्न जाएंगे। सो वी ऑल्सो वॉन्ट टू कवर वाइल रिटर्निंग हाउ द अदर साइड ऑफ द व्यू लुक्स एक्चुअली। तो हम अदर साइड ऑफ द व्यू भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम यहाँ से लेफ्ट लेके हम अभी उल्वे की तरफ वी आर गोइंग टू जस्ट गेट डाउन नाउ। तो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी, ये ब्रिज को क्रॉस करने में काफ़ी मज़ा आया एक्चुअली। और अभी हम जस्ट उल्वे की तरफ जस्ट हम वी आर जस्ट कमिंग डाउन। तो आप देख सकते हैं हम जस्ट ऊपर से आए थे और हमने अभी जस्ट व्यू लेके यू टर्न लेके हम अभी जस्ट ब्रिज के नीचे आए हैं, और यहीं पे आगे आपको यहाँ पे टोल प्लाजा मिल जाएगा। तो आप जो वन साइड आपने जो भी ट्रैवल किया, यू हैव टू पे अ टोल ऑफ दैट। तो यहाँ पे भी फिलहाल टोल इज 250 रुपीज़ फॉर वन वे, और अगर आप रिटर्न लेते हैं तो इट इज 375 रुपीज़। तो करंटली लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी इस वक्त टोल फ्री है, तो हमें यहाँ पे कोई भी टोल नहीं लगा है। तो वे जस्ट गोइंग थ्रू, तो ये एक अच्छी बात थी। तो दिस राइड वॉज एब्सोल्युटली फ्री। मे बी अप टू 26 ऑफ जैन टोल शायद शुरू हो सकता है यहाँ पे, बट आई एम नॉट श्योर, वी हैव टू बी अपडेटेड ऑन दैट। तो ये जो डिस्टेंस था विच वॉज 21.8 किलोमीटर्स, ये हमने हार्डली 15 मिनट्स में पूरा किया है एट एन एवरेज ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे। और यहाँ से अभी हम वापस रिटर्न जाएंगे ब्रिज पे टूवर्ड्स मुंबई साइड। तो हमने जस्ट अभी उल्वे से यू टर्न लिया है एंड अगेन वी आर गोइंग ऑन टू द ब्रिज, और अभी हम उल्वे से मुंबई की तरफ चलेंगे। सो कम विद अस और ये रिटर्न जर्नी आप इंजॉय कीजिए हमारे साथ।
तो हमें दोबारा ब्रिज की तरफ जाने के लिए भी कोई टोल नहीं लगा है. सो फॉर दैट आई रियली वॉन्ट टू थैंक MRDA फॉर दिस. थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल जर्नी. तो अभी हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स मुंबई. तो इस बीच पे रुकना मना है बट वी आर जस्ट टेकिंग अ चांस क्योंकि काफ़ी यहाँ पे व्हीकल्स ऑलरेडी यहाँ पे रुके हुए थे. तो हम भी सोचे एक 5 मिनट का हम भी ब्रेक लेते हैं और यहाँ से मैं आपको एलिफेंटा केव्स दिखाने की कोशिश करता हूँ. मुझे पता नहीं वो कितना विजिबल होगा मेरे कैमरे पे बट आई जस्ट शो इट टू यू. ये है एलिफेंटा केव्स जो काफ़ी ब्लर है बिकॉज ऑफ द फॉग और ये हमने कुछ थोड़ी सी मस्ती की ब्रिज के ऊपर विच वी शुड नॉट डू इट एक्चुअली. इस ब्रिज का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्लस पॉइंट ऑफ दिस ब्रिज इसकी जैसे कि आप बैंड्रा सीलिंग ब्रिज पे आपको केबल स्ट्रेट ब्रिज आपको दिखाई देता है उस तरीके से इस ब्रिज पे उस टाइप का कंस्ट्रक्शन नहीं यूज़ किया गया है. कोई भी सेक्शन को यहाँ पे केबल स्ट्रेट ब्रिज नहीं बनाया गया है. इसके लिए इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है. अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी जो बर्ड्स है जो मतलब ब्रिज की एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं तो उनके लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं हो उसके कारण इसे केबल स्ट्रे ब्रिज नहीं बनाया गया है. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. एक नेचर को ध्यान में रख के इस ब्रिज को उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है विच इज़ अ वेरी वेल थॉट एंड अ वेरी गुड प्लान ब्रिज. तो हम ऑलमोस्ट मुंबई की तरफ पहुंच गए हैं एंड इफ़ वी गो स्ट्रेट वी विल गो टूवर्ड्स दादर कुलाबा साइड. और आप पहला लेफ्ट लेंगे तो आप वडाला की तरफ चले जाएंगे. तो अब हम लेफ्ट लेके वडाला की तरफ चले जाएंगे. तो आई होप ये वीडियो आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिला होगा इस ब्रिज के बारे में. तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए. आपके कमेंट्स आप ज़रूर बताइए. इनकेस इस ब्रिज के बारे में अगर कोई भी पॉइंट्स मेरे से मिस हुआ है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइए. और आप मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे और भी वीडियोज़ लेके मैं आगे आने वाला हूँ. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए. इस ब्रिज के ऊपर आप ओवर स्पीड आप मत कीजिए क्योंकि ये आपके लिए भी फेटल हो सकता है और दूसरे के लिए भी फेटल हो सकता है. ये एक्सीडेंट आज आफ्टरनून में हुआ है इस ब्रिज के ऊपर. दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एक्सीडेंट विच इज़ हैपेंड ऑन अटल सेतु ब्रिज. सो प्लीज़ इस ब्रिज के ऊपर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. आप ओवर स्पीड आप मत कीजिए क्योंकि इस ब्रिज के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड्स भी ब्लो होते हैं और अगर आप ओवर स्पीड करेंगे तो आपका कार पे कंट्रोल नहीं होगा तो ऐसे कुछ एक्सीडेंट आपके साथ हो सकता है. तो प्लीज़ बी सेफ बी साउंड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड गुड बाय. जय हिंद.